नहीं हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आई एम लाइव ऑन अमूल फेसबुक पेज। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। प्लीज गिव योर थम्स अप इफ द वॉइस इज क्लियर एंड आई एम क्लियर। हाय फ्रॉम सुमा बीरोई। हेलो मैम, हेलो, हाउ मेनी हैव ज्वाइंड? 59 ओके, आई नो इट्स वीकेंड एंड यू ऑल मस्ट बी बिजी विद योर वीकेंड प्लान्स, मे बी डिनर प्लान्स ऑल्सो, एंड द टाइम इज ऑल्सो मूविंग अहेड टूवर्ड्स द डिनर। सो आई प्लान टू कुक अ सिंपल हेल्दी एंड द डिलीशियस डिनर रेसिपी विद द अमूल प्रोडक्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अनु कामरा फ्रॉम जामनगर गुजरात। आई एम अ पैशनेट होम कुक एंड आई लव टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फूड कॉन्टेस्ट। And luckily, today I am also here in front of you by winning a Amul contest in a very wonderful Facebook family group that is Innovative Food and Beverages by Soma Abhi Roy and her team. Thank you so much, respected judges, admins, for your precious judgment and selecting me a winner in the Amul contest. Now, my heartfelt gratitude towards Amul for giving me such a wonderful platform and opportunity to come forward and showcase my culinary skills here direct from my kitchen from Jamnagar. So not taking much of your time as it's the weekend, I should start my recipe now. Please let me know if I should start my recipe. Hi from Sonia Kumar. Hello everyone. Hello. Thank you everyone for joining in. So let me introduce towards my recipe. Today I am going to make मंजिले पनीर, दैट इज अ मेन कोर्स रेसिपी विद द अमूल पनीर। वी ऑल नो अमूल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इट इज द पार्ट ऑफ माई किचन ऑलवेज। एंड हेयर आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस विद माई इन्ग्रीडियंट्स। आई एम गोइंग टू मेक द पनीर मंजिले। जो मैं पनीर मंजिले बनाऊंगी, आज मंजिले बनने वाली हैं पनीर की, जिसके अंदर एक बहुत ही टेस्टी सी, हेल्दी सी, इनोवेटिव फिलिंग करूंगी। तो इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जो मैंने फिलिंग करनी है उसके लिए मैंने लिया है चॉप्ड अनियन, दैट इज ग्रेटेड कैरेट, दिस इज चॉप्ड स्पिनच, सम ऑफ द चीज, ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला। और ये जो मेरी मक्खनी ग्रेवी बनेगी उसके लिए मैंने ये ली हुई है, ये मैंने 4 to 5 टोमेटोज को ब्लांच कर लिया था, उसके अंदर एक ग्रीन चिल्ली डाली थी और उसको ब्लांच करने के बाद उसको मैंने प्योरे करके स्ट्रेन कर लिया है। ये अबाउट 4 to 5 मीडियम साइज टोमेटोज हैं। दिस इज होम मेड टोमेटो प्योरी। मेरी आज जो ग्रेवी बनने वाली है दैट इज प्योरली टोमेटो बेस्ड मक्खनी ग्रेवी। ये है थोड़ी सी टोमेटो केचप, दिस इज रेडीमेड टोमेटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दिस इज जीरा, कसूरी मेथी, पनीर मसाला, थोड़ी सी काजू की पेस्ट और थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम। एंड डेफिनेटली माई मेन इन्ग्रीडियंट दिस इज अमूल पनीर स्लाइसेस। और ये जो थोड़ा सा मेरा मैरिनेशन में जाएगा, ये जाएगा सॉल्ट, दिस इज चाट मसाला, रेड चिली पाउडर एंड अमूल बटर। डेफिनेटली अमूल बटर, अमूल चीज एंड अमूल पनीर इज द हीरो इंग्रेडिएंट टुडे। सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स माय रेसिपी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा ये जो मैंने पनीर स्लाइसेस है इसको रेक्टेंगल में कट कर लिया है, इनको मैं मैरिनेट करूंगी थोड़े से बस सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला के साथ। कुछ ज़्यादा स्पाइसेस हमें मैरिनेशन में नहीं यूज़ करने हैं। ये देखिए, ये मैंने पनीर स्लाइसेस कट कर रखे हैं, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्ट तीनों पे स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा चाट मसाला। इसको हम हाथ से अच्छे से रब कर देंगे क्योंकि इनका टेस्ट लिम्प नहीं आना चाहिए। सब में थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पाइसी देंगे। और दोनों साइड से ही हम ऐसे कर लेंगे, नेक्स्ट साइड से भी ऐसे ही मैं रब कर लूंगी। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला।
होप एवरीथिंग इज क्लियर. जो भी आपको क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू एट द मोमेंट. ये मैंने अपना एक ग्रिल पैन ले लिया है. ग्रिल पैन के अंदर हम डालेंगे अमूल बटर. अमूल बटर डालते ही थोड़ा सा पैन का टेम्परेचर अपने को ध्यान रखना है. अमूल बटर डाल के इसको थोड़ा सा पैन हॉट हो जाए, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो उसके साथ हम अपने पनीर को, मैरिनेटेड पनीर को ग्रिल करेंगे. इसके साथ ही मैं अपनी ग्रेवी स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि टोमेटो बेस्ड ग्रेवी है, मखनी ग्रेवी है. ये मैंने एक यहाँ पे वॉक ले लिया है. वॉक में हम डालेंगे अमूल बटर अगेन. अमूल बटर बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे सुबह से ही जो ब्रेकफास्ट से लेके स्टार्टिंग ही हमारे अमूल मिल्क से होती है. अमूल बटर, सारा कुछ मेरे घर पे अमूल प्रोडक्ट्स का बहुत यूज होता है. अमूल घी, अमूल कर्ड एंड एवरीथिंग. अमूल प्रोडक्ट्स आर द फैमिली, पार्ट ऑफ फैमिली ओनली. इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग अमूल आटा एंड आई एम लविंग इट, मेकिंग द रोटीज, लंच एंड एवरीथिंग. ये देखिए मेरा पैन हॉट हो चुका है, बटर मेल्ट हो चुका है. इधर मैं अपने पनीर पीसेस को ग्रिल होने के लिए रख रही हूँ. आप किसी भी शेप में पनीर को काट सकते हैं, आइदर स्क्वायर आइदर रेक्टेंगल एज पर योर चॉइस. इधर अपना बटर मेल्ट हो गया है. अब बटर टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूंगी ग्रेवी में, क्योंकि बटर का स्मोकिंग पॉइंट लो होता है और वो जल्दी जल जाता है. इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू यूज सम ऑयल विद द बटर. ये हमारा बटर भी मेल्ट हो गया है. फ्लेम थोड़ा सा हम मीडियम पे ही करेंगे. अब इसके अंदर बटर मेल्ट हो गया है, आई एम एडिंग जीरा. जीरा थोड़ा क्रैकल हो जाए. दिस इज पनीर मंजिलें. और आज क्योंकि वीकेंड भी है और कुछ मेरे घर पे सब बहुत फॉन्ड है पनीर के डिशेस के लिए, एंड आई कीप ऑन ट्राइंग वेरियस डिशेस विद द अमूल पनीर, एंड आई लव टू कुक द इनोवेशंस विद द पनीर. एंड पनीर मेरे बच्चों को हमेशा ही चाहिए. सैटरडे संडे कुछ ना कुछ पनीर आइटम्स मेरे घर पे बनती रहती हैं. ये जीरा अपना क्रैकल हो गया है. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून. उधर अपना पनीर ग्रिल हो रहा है, उसको ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो वो च्यूई हो जाएगा. इसलिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा अच्छे से इसके ऐसे ही ग्रिल्ड, जो आपके रेफरेंसेस आ जाएंगे तब तक करना है. इसमें मैंने अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है. नाउ आई एम एडिंग दिस टोमेटो प्योरी इन इट. ये टोमेटो प्योरी को मैंने आपको बताया, इसको ब्लांच करके ग्रीन चिली के साथ, ग्रीन चिली का टैंग भी आ गया है उसमें. हेलो एवरीवन, हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. तो उसको उसके बाद मैंने स्ट्रेन किया है, ताजो जो टोमेटो के जो रेशे और सीड्स और छिलके रहते हैं ना, वो भी ना रहें, तो वो अच्छे से हो जाए. तो ये देखिए पनीर भी अपना अच्छे से, कितना अच्छा उसके ऊपर कलर आ गया है. बस इतना ही करना है अपने को. अब मैं ये फ्लेम स्विच ऑफ कर रही हूँ. मेरा पनीर रेडी है. इधर अपनी ग्रेवी अब धीरे धीरे हम स्लो फ्लेम पे, स्लो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे. ये मैंने अपनी ग्रेवी इसमें डाल दी है. अब ये पनीर पीसेस मैं एक प्लेट में अपने निकाल रही हूँ. देखिए अब ये पूरा अच्छे से सॉफ्ट है, इससे ज़्यादा करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा कहीं ना कहीं. इसलिए आपको, हमने मैरिनेशन में भी सिर्फ चाट मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट ही यूज़ किया है. ये मैं आपको दिखा रही हूँ. अभी ये मेरी ग्रेवी स्टार्ट हो गई है. इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, मैं फिलिंग में भी स्टार्ट कर दूँगी साथ ही साथ. अब थोड़ी सी इसमें जाएगी अपनी कसूरी मेथी. बटर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. और ट्राई कीजिए, आप इसको कुक बटर में ही कीजिए. अब आजकल टमाटर तो अच्छे आ रहे हैं, अगर टमाटर अच्छे ना हो
तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड कि थोड़ी सी आप ये जो रेडीमेड टोमेटो प्योरी है ना वो ऐड कर दीजिए, इसमें टैंग भी होता है और कलर भी एनहांस हो जाता है ग्रेवी का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन ऑल द व्यूअर्स, होप यू आर एंजॉइंग द रेसिपी। ये ग्रेवी को हमें थोड़ा अभी थिक करना है, इसको पकाना है। अब मैंने टोमेटो प्योरी ऐड कर दी है, अब मेरा जाएगा इसमें टोमेटो, ये कैश्यू पेस्ट। ये मैंने 7 to 8 कैश्यूज लिए हैं, उनको 3 to 4 hours के लिए इसको गर्म पानी में अच्छे से सोक कर दिया था, फिर इनकी अच्छे से पेस्ट बना ली है। तो हम इसको अच्छे से, अगर बाइंडिंग के लिए यू हा अगर आपको कैश्यू अवॉइड करने हैं, इससे क्या है, एक तो होमोजीनियस थिक लेयर आ जाएगी ग्रेवी की, और दूसरी बात है टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। अगर आप कैश्यू नहीं ऐड करना चाहते देन यू कैन ऐड मैदा, 1 teaspoon ऑफ मैदा, उससे भी अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और ग्रेवी भी थिक हो जाएगी। अब इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon ऑफ टोमेटो केचप, थोड़ा सा खटास को काटने के लिए टोमेटो केचप आप ऐड कर सकते हैं। अपनी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक रही है और अभी मेरे को यहाँ तक अच्छा सा एरोमा भी आई कैन फील। और अभी मैं करूँगी इसमें ऐड माई सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, दैट इज पनीर मसाला। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें और मैं इसको पनीर की सब्जियों में ज़रूर ऐड करती हूँ। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अब ये ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक होगी, अब हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे और मैं इधर अपनी फिलिंग की ओर चलती हूँ। फिलिंग के लिए अगेन मैंने एक वॉक ली है, वॉक में मैं डाल रही हूँ अमूल बटर अगेन, अमूल बटर थोड़ा सा टेस्ट के लिए, या इट्स अवेलेबल एवरीवेयर बट आई विल डेफिनेटली शेयर व्हाट आई एम यूजिंग। इट इज ऑफ सम गोल्डी मसाला एंड इट टेस्ट बेस्ट, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, हर एक सब्जी को एनहांस करता है ये। आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक मैम, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart too। हमारा बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें अपनी फिलिंग वाले इन्ग्रीडियंट्स ले लेते हैं। ये क्योंकि पनीर की मंजिलें हैं और जो मैं फिलिंग बना रही हूँ, स्टफिंग बना रही हूँ, वो हेल्दी टच दे रही हूँ और कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। पनीर बटर मसाला और ये सब हमने बहुत खा लिया, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे हम, क्योंकि बटर का मैंने बताया स्मोकिंग पॉइंट लो होता है और वो जल्दी बर्न हो जाता है, तो इसलिए ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल। ये मेरा ऑयल बटर मेल्ट हो चुका है, आई एम एडिंग चॉप्ड अनियंस। अनियंस मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको थोड़ा सा सौते करेंगे, हल्का सा इनको ट्रांसल्यूसेंट होने देंगे। इधर अपनी ग्रेवी भी एक बार देख लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ रहा है। अभी इसमें देखिए मैंने कुछ स्पाइसेस नहीं ऐड किए हैं, जस्ट पनीर मसाला ऐड किया, आई हैवंट एडेड एनी चिली पाउडर और सॉल्ट। ये मैं अभी ऐड करूँगी, इट्स नेचुरल कलर, नो कलर इन इट। इधर अपने अनियंस भी सौते हो गए हैं, इसमें मैं अभी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, टेस्ट आप अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जो ग्रीन चिली डाली है वो थोड़ी सी तीखी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी रेड चिली कम ही डाल रही हूँ।
ये मैंने सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया है। अमेजिंग ग्रेवी एंड कलर। थैंक यू सो मच। ये देखिए अपना अनियन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे। आप देखिए ये वेजीज की चॉइस भी आपके ऊपर है। ये मैं डाल रही हूँ चॉप्ड स्पिनच। अगर स्पिनच अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिए, इसमें ब्रोकली को ग्रेट करके और कैबेज को ग्रेट करके वो भी डाल सकते हैं, और इनफैक्ट जो कलर्ड बेल पेपर्स रहते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग एंड चॉइस। क्योंकि आजकल पालक मिल रही थी, अच्छी मिल रही थी, और इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने ये पालक और गाजर की फिलिंग कर रही हूँ। देखिए इसका टेक्सचर देखिए और स्मूथनेस देखिए, कोई लंप नहीं है इसमें ग्रेवी में, और इसका कलर भी कितना खिल के आया है। ये बस अपने को जो स्पिनच है सौते तब तक करनी है जब तक उसके अंदर जो पानी या मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो जाए। ये मैंने पालक कोई ब्लांच नहीं करके ली हुई, अच्छे से इसको धो के साफ करके इसको चॉप किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड कैरेट। अब मैंने आपको ऑप्शंस बता दी हैं, यू कैन ऐड ग्रेटेड ब्रोकली, ग्रेटेड कैबेज, बेल पेपर्स, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, अगर आपको ये वाली सब्जी नहीं मिलती है तो। थैंक यू सो मच, होप यू आर लविंग द रेसिपी। इट्स समथिंग, इट ऑलवेज पनीर और ये अमूल के प्रोडक्ट के साथ मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। इनफैक्ट आई वन मेनी कॉन्टेस्ट विद द अमूल ऑल्सो, एंड आई हैव डन मेनी कुक टुगेदर विद द अमूल, एंड आई लव द अमूल प्रोडक्ट्स। इट्स ऑलवेज देयर इन माई किचन। मेरे दिन की शुरुआत अमूल मिल्क बटर से होती है, फिर अमूल पनीर की सब्जियाँ बनती हैं, और फिर अमूल से ही मैं आजकल नान और चपातियाँ सेक रही हूँ, और लास्ट में मेरे को अमूल का चॉकलेट भी चाहिए होता है जो मेरे घर में ऑलवेज अवेलेबल रहता है। स्वीट कॉर्न कैन वी ऐड? यस यस डेफिनेटली, उसको भी आप थोड़ा सा ग्राइंड करके डालिए। अब इसमें आप देखिए मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं ऐड किया है, अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, जितना आप लेते हैं उतना डालिए। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, इसमें हम कुछ और नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और ऊपर से थोड़ा सा शाही गरम मसाला, बस इतने ही स्पाइसेस फिलिंग में जाएंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड शाही गरम मसाला। अब ये मेरा देखिए कितने अच्छे से इसका मॉइस्चर इवेपोरेट हो चुका है, फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी क्या कर रही हूँ, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ऐड अमूल चीज नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट मोर टेस्टी। अमूल के चीज़ के साथ, और आप कोशिश कीजिए, देखिए मेरी फ्लेम ऑफ है, जब आप चीज़ डालें तो गैस ऑफ कर दीजिए, नहीं तो चीज़ चिपकने का डर रहता है। थोड़ा सा मैं इसमें चीज़, ये क्या बच्चों को बहुत पसंद आती है, चीज़ी भी हो जाती है, फिलिंग भी हेल्दी हो जाती है, और मखनी ग्रेवी तो है ही पनीर के साथ। सो फिलिंग इज ऑल्सो रेडी। सी ये मैंने गैस ऑफ कर दी है, अब थोड़ा सा हम ग्रेवी को देख लेते हैं। ग्रेवी अपनी बहुत अच्छे से थिक हो गई है, अब मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी, अपने ठंडे होने पे दो तीन मिनट और चलाएंगे, क्रीम ऐड करेंगे, अमूल की फ्रेश क्रीम। थोड़ा सा एक ढक देते हैं, बी केयरफुल, क्योंकि अभी ग्रेवी गर्म है और ये थोड़ी स्प्लटर होती है। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जब भी ग्रेवी पकाएं थोड़ा ढक दें उसको। अब हम असेंबलिंग की तरफ चलेंगे। ये अपनी फिलिंग रेडी है, उतनी देर में आपको पनीर असेंबल करके बता रही हूँ। ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से थिक भी हो गई है, कलर भी एनहांस हो रहा है इसका, और
स्मूथनेस और कंसिस्टेंसी जितनी मेरे को चाहिए उतनी आ भी गई है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने पे मैं इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। उतनी देर में हम ये वाली फिलिंग के साथ आपको पनीर स्लाइसेस का बता देती हूँ कैसे करना है। ये हमने लिया अब एक अमूल का पनीर स्लाइस, इसके अंदर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये ग्रेवी पोर करूंगी। अभी गर्म है, थोड़ी सी लेट इट कूल डाउन, तो आप उसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि ये ग्रेवी तो आपकी सब्जी के साथ वैसे ही आप पूरी डालने वाले ही हो। अब इसके अंदर जाएगी ये वाली फिलिंग, जेनरस अमाउंट डालिए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अपनी सब्जी की ये शान है, इसी से ही अपनी ये बना है पनीर मंजिलें। अब मैं मंजिलें बना रही हूँ, 3 लेयर्स बना रही हूँ, तो इसीलिए हमें अच्छे से इसको ऐड करना है। नाउ इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अमूल का ये चीज ऐड करूंगी ताकि जो सेकंड लेयर अपनी चिपक जाए अच्छे से। अब इसके ऊपर जा रही है अनदर लेयर ऑफ पनीर, अच्छे से प्रेस कीजिए उसको, फिर इसके ऊपर सॉस यानी कि अपनी ग्रेवी वो पोर कीजिए ऐसे अच्छे से, फिर इसके ऊपर आप डालिए ये वाली फिलिंग जेनरस अमाउंट। कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी। नाउ ये देखिए ये आपकी फिलिंग अच्छे से चारों तरफ आ जानी चाहिए। देन अब इसके ऊपर अगेन सम चीज। नाउ आवर फाइनल लेयर दैट इज अगेन, ये 3rd लेयर हो गई, ये अपनी पनीर की मंजिलें रेडी हैं। अब मैं आपको थोड़ी फाइनल प्लेटिंग की ओर लेके चलती हूँ, थोड़ा सा और ग्रेवी हल्का सा कूल डाउन हो जाए। नाउ ये मैंने यहां से प्लेट लेके आपको फाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ कैसे इसको असेंबल करना है। ये देखिए ये मेरी प्लेट है, ये इसके ऊपर मैंने अमूल का क्रीम चीज थोड़ी सी उसमें टोमेटो केचप ऐड करके जस्ट एक ब्रशिंग दी है। अब इसके साथ हम ये जो हमने अभी बनाया पनीर की लेयर्स इसको हम ऐसे यहां पे रखेंगे, ठीक है। अब इसके साथ हम करेंगे अपनी ग्रेवी को पोर। अभी थोड़ी सी हॉट है ग्रेवी, नहीं तो यहां पे ऐसे अच्छे से स्लैंटिंग फॉर्म में आप इसको ऐसे डालते जाइए। इसमें मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है, ये देखिए ऐसे ग्रेवी को आप पोर कीजिए अच्छे से साइड से, देन लेट इट सेटल डाउन फॉर 2 मिनट्स। Now, हम थोड़ा सा अभी स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और गार्निश, और इसके साथ ही थोड़े से अपने
carrot and cucumber ke curls for the garnish. And इसके ऊपर ही मैं डालूंगी थोड़ा सा ये जो मैंने बनाकर रखा हुआ है जूलियंस कट किए हुए हैं बेल पेपर्स के जिंजर के जस्ट टू गार्निश एंड गिव अ ब्यूटीफुल लुक. जस्ट पुट सम जूलियंस ओवर द पनीर नॉट टू मच पिन बिट ऑफ इट विद द जिंजर जूलियंस टू. एंड तीनों तरह के बेल पेपर्स हैं इसमें जिंजर जूलियंस हैं जैसा आपको अच्छा लगे आप लुक दे सकते हैं ऐसे करके. और इसके ऊपर एक मिंट लीफ इस और थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर क्योंकि ग्रेवी कोरिएंडर लीफ के बिना अधूरी होती है तो मैं ग्रेवी के अंदर डेफिनेटली थोड़े थोड़े कोरिएंडर लीव्स ऐड करूंगी. ग्रेवी जब आपको गर्म करनी है जब आपको ये डिश सर्व करनी है तो आप ग्रेवी को पनीर के ऊपर पोर करके अच्छे से उसको खाइए. और फिर थोड़ा सा हम मिंट लीफ को अंदर भी डाल देंगे. You can add one mint leaf here too. And अगर आप broccoli add कर रहे हैं तो broccoli से भी आप floret से भी garnish कर सकते हैं. तो ये मेरी हो गई है ये देखिए इधर अपनी gravy है color कितना उसका खिल के आया है. इधर अपने पनीर के slices हैं. एंड ये मैंने थोड़ा उसके साथ दिया है लुक. एंड थोड़ा सा हम सॉस की डॉट्स इधर भी बनाएंगे. बस माय रेसिपी इज डन. होप यू ऑल एंजॉयड द रेसिपी. और अब इसको सर्व करेंगे हम अमूल के ये मेरा टेबल रेडी है टू डाइन विद माय फैमिली. ये इधर मैंने कुछ अमूल के साथ छोटे छोटे मिनी नान्स बनाए हैं जिसको मैंने और फ्रेश जूस रखा है. यहाँ पे कुकुम्बर का रायता है जो कि अमूल फ्रेश कर्ड से बनाया गया है. और यहाँ पे मेरी पनीर मंजिलें रेडी हैं. So my dinner is almost done. Hope you love the recipe. It's very easy recipe and healthy and innovative too. You can cook anytime with the Amul products as Amul paneer is very good and it tastes awesome when cooked with the Amul paneer cheese and Amul fresh cream. Any queries? Thank you for lovely recipe. Thank you so much. Hope you all enjoyed the session. And again, I would love to thanks all the admins team of Innovative Food and Beverages for this amazing opportunity. And thank you so much, Amul, for giving us such a wonderful platform for all the home chefs to come forward and showcase our skills. Thank you so much. Stay blessed, stay safe, happy weekend.